नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा अनकैडमी के बिगिनर टू मास्टर प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार कंफर्म कर दीजिए, इज आई एम ऑडिबल और नॉट, क्या मेरी वॉइस आप सभी तक पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है। फिर आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। एक बार कंफर्म कर दीजिए, इज आई एम ऑडिबल और नॉट, क्या मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सोशल इकोनॉमिक अकाउंटिंग। ठीक, क्या टॉपिक है हमारा? सोशल इकोनॉमिक अकाउंटिंग, उसके बारे में बात करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि गिन्नी कोफिशिएंट्स क्या होता है, लॉरेंस कर्व क्या होता है, फिलिप कर्व क्यों आया, क्या जरूरत थी इसकी। ठीक है, कुज़नेट्स कर्व के बारे में बात करेंगे और इन सबको, क्योंकि यहाँ से यूपीएससी में सवाल पूछे भी गए हैं। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, नमस्कार। लेकिन उससे पहले एक बार जान लेते हैं कि क्यों स्टूडेंट्स को अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना चाहिए। तो यहाँ पर डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होती हैं, तो जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, आप एजुकेटर से पूछ सकते हैं। डेली बेसिस पे लाइव टेस्ट क्विज होते हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, खुद का मूल्यांकन कर सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है, यानी कि एग्जाम ओरिएंटेड ही आपकी क्लास होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपके एग्जाम में कुछ और आए, आपको पढ़ाया कुछ और जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। अनलिमिटेड एक्सेस की बात की गई है यहाँ पर। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब है, सपोज कीजिए आपने यूपीएससी सीएससी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लिया है, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको एक पर्टिकुलर टीचर से ही सारे सब्जेक्ट पढ़वा दिए जाएंगे या फिर आपको एक सब्जेक्ट के लिए ही सब्सक्रिप्शन दिया गया है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जितने भी एजुकेटर यूपीएससी सीएससी कैटेगरी में पढ़ा रहे होंगे, आप किसी की भी क्लास को जाके एनरोल कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो। अब बात करते हैं, ये अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है, जाइए प्ले स्टोर में और डाउनलोड कीजिए नाउ कंप्लीट क्लासेस इन योर पॉकेट। ये कुछ मेरे बारे में, मेरा नाम राहुल शर्मा है, मैंने एमटेक किया है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में, बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, पिछले 10 सालों से टीचिंग कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, आपका फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और भी बहुत कुछ जो रिलेटेड है आपका यूपीएससी से, वो सभी पढ़ा देता हूँ। ये मेरा अनअकैडमी का, ये मेरा टेलीग्राम का चैनल लिंक है, यहाँ पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आप मेरे से चैट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ये मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक है, यहाँ पर अनअकैडमी के प्रोफाइल पर, मेरे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मेरी जो भी वीडियोस आती हैं उसका आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा अगर आप यहाँ पर मुझे फॉलो करते हैं। अब बात करते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के टाइप की, अमाउंट्स की, ड्यूरेशन की। तो यहाँ पर देखिए, आपको अनअकैडमी ने काफी फ्रेंड दिया, आप एक महीने से लेकर 24 मंथ्स तक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। लेकिन मैं हर क्लास में बोलता हूँ स्टूडेंट्स को कि एटलीस्ट कम से कम 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन तो लेना ही चाहिए, क्योंकि एक लंबी रेस है, तो कम से कम आपको सीरियस प्रिपरेशन कम से कम एक साल तो करनी ही चाहिए। अब बात करते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के टाइप की। तो पहले बात करते हैं नॉर्मल सब्सक्रिप्शन की। देखिए, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन में आपको जो फैसिलिटी मिलेगी, लाइव क्लासेस की, टेस्ट सीरीज डेली बेसिस पे होते हैं। तो अगर आप नॉर्मल सब्सक्रिप्शंस के 12 मंथ के प्लान के साथ जाते हैं तो योर अमाउंट विल बी 44,000। यहाँ पर आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज RSB1। आप ये रेफरल कोड यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, नाउ योर अमाउंट विल बी 39,600 रुपीज। वहीं आप अगर नॉर्मल सब्सक्रिप्शंस के 24 मंथ्स के प्लान के लिए जाते हैं तो आपका अमाउंट होगा 64,000। यहाँ पर आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज RSB1। आप ये रेफरल कोड यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, नाउ योर अमाउंट विल बी 57,600 रुपीज। अब बात करते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस की। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस में अकेडमी ने क्या किया कि काफी सारी फैसिलिटीज और भी ऐड कर दी गई हैं। ठीक है, जैसे कि आपका यहाँ पर आपको पर्सनल कोच प्रोवाइड किया जाएगा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस के 12 मंथ्स और 24 मंथ्स के प्लान में। आपको डेली मेंस के जो क्वेश्चन आंसर राइटिंग है उसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस के 12 मंथ्स के प्लान के लिए जाते हैं तो आपका अमाउंट होगा 64,000। यहाँ पर आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज RSB1। आप ये रेफरल कोड यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, नाउ योर अमाउंट विल बी 57,600 रुपीज। वहीं आप अगर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस के 24 मंथ्स के प्लान के लिए जाते हैं तो आपका अमाउंट होगा 99,000। यहां पर भी आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज RSB1। आप ये रेफरल कोड यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, नाउ योर अमाउंट भी 89,100 रुपीज। राइट, तो आपको क्या करना है, अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए जा रहे हैं, यू कैन यूज माई रेफरल कोड, दैट इज RSB1। चाहे आप नॉर्मल सब्सक्रिप्शन की बात करें या फिर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करें, दोनों में आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा इफ यू आर यूजिंग दैट रेफरल कोड। चलिए फिर आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सोशल इकोनॉमिक अकाउंटिंग। ठीक है, जो मेरे पीछे जो डेफिनेशन देख रहे हैं बुक्स में लिखी हुई हैं, मैंने काफी सारी वीडियोस इनकी देखी हुई हैं इस चैप्टर की, तो कई बुक्स में पढ़ा भी है, लेकिन कुछ अजीब सा लगा, समझ में नहीं आया कि वास्तव में सोशल इकोनॉमिक अकाउंटिंग है क्या।
ठीक है, फिर बहुत सारी समझने के बाद, पढ़ने के बाद पता लगा कि जो पढ़ना था वो पढ़ ही नहीं रहा था मैं भी, ठीक है। और जो मैंने बहुत जगह देखा है कि इसके बारे में ढंग से प्रॉपर बताया नहीं जाता है, और यूपीएससी नहीं कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं बचा इंडिया में जहां से इस टॉपिक से क्वेश्चन आया हो। कोई भी एग्जाम देख रहे हैं, कोई भी एग्जाम इंडिया में जहां पे पॉलिटी पूछी जाती हो या इंडियन इकोनॉमी पूछी जाती हो जिस एग्जाम में, वो कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं बचा है जहां से सोशल इकोनॉमिक अकाउंटिंग से क्वेश्चन ना आया हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझिए सोशल इकोनॉमिक अकाउंटिंग है क्या, इस साइड में देते हैं सोशल इकोनॉमिक अकाउंटिंग को। पहले आपने आप इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं, इंडियन पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स आप लोग सब जानते हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल नंबर 12-35 आपको सबको पता है, ठीक है, जो मौलिक अधिकार है उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो आर्टिकल नंबर 14 और 15 में इक्वलिटी की बात की गई है, किसकी बात की गई, समानता की बात की गई है आर्टिकल नंबर 14 और 15 में। 15 में आर्टिकल नंबर 14 यानी अनुच्छेद 14-15 में समानता की बात की गई है। दोनों में आप देखते हैं तो उन्होंने साफ कहा गया कि किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, यानी इनके बेस पर किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और ऐसी बात नहीं, सरकार ने इस पर काम भी किया है, अंग्रेजों के जमाने में जबरदस्त इसमें डिस्क्रिमिनेशन था, इस बेस पर लंबा चौड़ा भेदभाव हुआ करता था, लेकिन सरकार ने इस खाई को मिटाने की काफी हद तक कोशिश की गई है, ठीक है। आज ऐसा नहीं है कि कोई काला है तो कोई गोरा है उसके बेस पे काफी सारा डिस्क्रिमिनेशन हो, नहीं ऐसा कम है, होता है, मैं कहता हूं पूर्ण रूप से बंद नहीं हुआ है, लेकिन आज भी होता है। लेकिन लेकिन दोस्तों एक भेदभाव आज भी बना हुआ है भारत में, बहुत ज्यादा है, जिसको सरकार कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन वो जितना कंट्रोल कर रही है उसी अनुपात में दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, उसी अनुपात में वो डिस्क्रिमिनेशन, वो भेदभाव बढ़ता जा रहा है। वो क्या है, वो इनइक्वलिटी क्या है, उसको समझने की कोशिश करिए। वो इनइक्वलिटी है पैसा, क्या है दोस्तों, पैसा, वेल्थ। भारत में अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर लगातार कई गुना स्पीड से बढ़ रहा है अमीरी की ओर, और गरीब उससे जिस स्पीड से अमीर बढ़ रहा है उससे भी कई गुना स्पीड से गरीबी की ओर बढ़ रहा है। ये जो खाई पैदा हो रही है, ठीक है, इसका कारण क्या है, ठीक है, सरकार कहती है कि नहीं हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, इसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार ये बढ़ क्यों रहा है, ठीक है, इसको पता कैसे लगता है कि वास्तव में इनइक्वलिटी बढ़ रही है कि ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ, आज उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब आप यहां देख रहे होंगे सोशल इकोनॉमिक अकाउंटिंग, ठीक है। अब सोशल का मतलब क्या होता है, समाज, इकोनॉमी मतलब रिलेटेड टू, मैं कहता हूं वेल्थ, अकाउंट, अकाउंट क्या है मैं आपको बता चुका हूं, अकाउंट का मतलब होता है पहले आपने यानी अपने पास्ट में आपने जो पैसा कमाया और कहां पे खर्च किया, या मैं कहूं पैसे का इनकम और डिस्ट्रीब्यूशन, यानी पैसे का इन और आउट, यानी कि कहां से आपने कमाया और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया समाज के अंदर, वही आपका क्या कहलाएगा, सोशल इकोनॉमिक अकाउंटिंग कहलाएगा दोस्तों। क्या कहलाएगा, सोशल इकोनॉमिक अकाउंटिंग। इक्वलिटी बिफोर लैंड इक्वल प्रोडक्शन, ठीक है, ठीक। तो सोशल इकोनॉमिक अकाउंटिंग का मतलब क्या है, किस सरकारों ने, भारत में, भारत की बात करता हूं, मैं किसी दूसरे देश की बात नहीं करता हूं, कि अगर मैं कहूं कि इंडिया के रिलेशन में अगर मैं बात करूं सोशल इकोनॉमिक अकाउंटिंग की, तो समझिएगा भारत ने अपने पास्ट में क्या कमाया, कहां से कमाया और किस तरीके से उसे डिस्ट्रीब्यूट किया समाज के अंदर, यानी आम जनता के अंदर, उसी के बेस पे पता लगता है कि देश के अंदर ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। क्या देश में आज भी इनइक्वलिटी है या हम इक्वलिटी की ओर मूव कर रहे हैं, ठीक है, भारत में आज समानता है कि असमानता बढ़ रही है। तो इस समानता और असमानता को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, इक्वलिटी और इनइक्वलिटी को पता करने के लिए कुछ पॉइंट्स, कुछ पार्ट्स होते हैं। ये आप मेरे लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे, दैट इज अ ग्राफ टर्म, ये ग्राफ वाला हिस्सा है, और ये कुछ इंडेक्स वाला और रिपोर्ट वाला हिस्सा है। तो हम पहले ग्राफ पढ़ेंगे कि ग्राफ क्या बताते हैं, ग्राफ कैसे बताते हैं कि अभी भी इनइक्वलिटी है कि इक्वलिटी, कैसे हम ग्राफ के थ्रू पता करते हैं इक्वलिटी और इनइक्वलिटी के बारे में, ठीक है, समानता और असमानता के बारे में, फिर इन इंडेक्स के बारे में समझेंगे, यानी कि किसी देश में कितनी समानता है और कितनी असमानता है, या कितना भेदभाव है, कितना डिस्क्रिमिनेशन है, उसको पता करने के लिए कुछ ग्राफ्स हैं और कुछ आपके इंडेक्स हैं।
तो हम ग्राफ्स को समझेंगे, इस ग्राफ्स के अंदर बात करेंगे लोरेंज कर्व एंड गिन्नी कोफिशिएंट्स, कुज़नेट्स कर्व, फिलिप्स कर्व, एंजल कर्व और एनवायरमेंटल कुज़नेट्स कर्व। ये हमारे पास पांच कर्व हैं और पांच कर्व में से नंबर एक बात जो आपके प्री में क्वेश्चन आ जाएगा, नंबर दो बात अगर आप मेंस लिख रहे हैं, मेंस में आपने ये ग्राफ बना दिया, समझ लीजिए आपका जो जवाब होगा सोने पे सुहागा हो जाएगा, अगर आपको ये अच्छे से पता है। लेकिन पता होना जरूरी है, ये नहीं ग्राफ खींच दिया, ग्राफ खींचने से नहीं उसके बारे में लिखना होगा आपको, राइट। तो मैं आपको आज ग्राफ बताऊंगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं क्या करूंगा, ये पूरा का पूरा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या होता है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट क्या होती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट क्या होती है और सम अदर रिपोर्ट्स एंड इंडेसेस भी है, वो भी उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। इस पर तो मैं पूरी बाकायदा क्लास लूंगा कि अभी रैंक इंडिया की कहां है, फर्स्ट में क्या, आपको एक निमोनिक ट्रिक्स के हिसाब से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी रिपोर्ट प्रेजेंट करती है वो याद करवा दूंगा, और अभी इंडिया का कौन सी इंडेक्स में कौन सी पोजीशन है ये भी आपको याद करा दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये घटना वाले चीज है, इसको समझेंगे पहले और फिर उसको आपको रटवा भी दूंगा थ्रू न्यूमेरिक्स ताकि आप भूले ना। तो आज बात करते हैं इन सभी कर्व्स की कि ये कर्व हमें कैसे बताते हैं कि इनइक्वालिटी ज्यादा है कि हम इक्वालिटी की ओर मूव करें, यानी कि पैसों के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ, क्या डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव ज्यादा है किसी देश में या कम है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों लोरेंस कर्व और गिन्नी कोफिशिएंट्स की, इसकी बात करते हैं। लोरेंस कर्व और गिन्नी कोफिशिएंट बहुत ध्यान से, नजाकत से, प्यार से समझना, उसी नजाकत प्यार से बताऊंगा आपको, क्योंकि अगर ये आपने अच्छे से समझा तो इसको कहीं भी आप घुसा सकते हैं मेंस में, ठीक है, मेंस में कहीं भी लिख देना, क्योंकि मेंस में जीएस पेपर थर्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ये कर्व मैं बता रहा हूं आपको, जितने क्वेश्चन आते हैं देखिएगा, 5-6 साल के पेपर, ये कर्व ऐसा है कि एक दो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं जगह दे देता है, ठीक है। मान लीजिए 2-3 क्वेश्चन आगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, ठीक है, क्योंकि जीएस पेपर 2-3 ही आएंगे, 2-3 क्वेश्चन आगे, तो एक दो क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा जहां पे आप इस कर्व का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे से देखना है इस कर्व को, क्या बोला है पहले समझिएगा, लोरेंस कर्व क्या बताता है। लोरेंस कर्व शो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो इनकम है ना, जो इनकम है उसका डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है, वितरण की बात करता है, सरकार की जो इनकम है उसका किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसकी ये बात करता है। अब समझिए दूसरी बात, भारत जो है, भारत किस तरीके का है, पब्लिक वेलफेयर के बारे में बात करता है, यानी कि भारत एक ऐसा मुल्क है जो भारत सरकार की जो इनकम है उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, किसमें, पीपल में होना चाहिए, आम जनता में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। क्या आपको लगता है, मेरा आपसे सवाल है, क्या आपको लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो इनकम है वो प्रॉपरली आम जनता में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, यस और नो, आपको क्या लगता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रही है कि नहीं हो रही है। बताइए क्या लगता है आपको, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रही है कि नहीं हो रही है। नहीं हो रही, वेरी गुड, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो नहीं रही, क्यों आप देख रहे हो, आज ऐसे भी लोग बाग हैं भारत में जिनको शाम को दो वक्त की रोटी नहीं है, मतलब सुबह भी मिलता है, सुबह को मिलकर तो शाम को नहीं मिलेगा, शाम को मिलकर सुबह का नहीं पता। और कुछ लोग भारत में ऐसे हैं जो खाना नहीं खाते, खाना छोड़ रखा है डाइटिंग की वजह से, क्योंकि उनके पास उनका वेट बढ़ रहा है, ओवरवेट हो रहे हैं, ठीक है, बढ़ते जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके पास समय नहीं है, इतना काम है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि खाली बैठे हैं, बेरोजगार हैं। तो यानी कि रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में हो ही नहीं रहा है। तो बात करते हैं इस लोरेंस कर्व की, लोरेंस कर्व को पहले समझते हैं। लोरेंस कर्व इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है, ठीक है, समझिएगा ये क्या है, ये आप ग्राफ देख रहे होंगे, पहले केवल और केवल मैं लोरेंस कर्व की बात कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बहुत कम जगह आपको बताया जाएगा और जिस तरीके से मैं थोड़ा बताऊंगा इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं जीएस पेपर थर्ड में। तो लोरेंस कर्व जो होता है वो दो के बीच में ड्रॉ होता है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे लिया है हमने इनकम और वाई एक्सिस पे लिया हमने पॉपुलेशन। क्या लिया, एक इनकम लिया, एक पॉपुलेशन लिया, ये बीच में जो लाइन है दैट इज परफेक्ट इक्वलिटी लाइन। क्या है, परफेक्ट इक्वलिटी लाइन का, बाकी लाइन को भी सोचिएगा आपको दिख नहीं रही है, ऐसे सोचेगा कि बाकी लाइन आपको दिख नहीं रही है, केवल आपको ये इनकम वाली लाइन दिखाई दे रही है, पॉपुलेशन वाली ब्लैक लाइन दिखाई दे रही है और ये वाली केवल ये वाली एक लाइन दिखाई दे रही है
बिल्कुल बीचों बीच 45 डिग्री एंगल पे, दैट इज परफेक्ट इक्वलिटी लाइन, यानी कि बिल्कुल 100% समानता रेखा को शो करता है। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तक? इज इट क्लियर और नॉट? चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया। अब देखिए ये इधर इनकम है, ये पॉपुलेशन है, बाकी ग्राफ को मत देखना। यहां पे अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं, इस पॉइंट पे देखो, ये पॉइंट दिख रहा है आपको, इस पॉइंट पे दिख रहा है आपको मैंने जो रेड किया है, ये आपका 15%, यानी कि देश की जो कमाई है, जो इनकम है, जो आमदनी है, सरकार की जो इनकम है, अगर वो इनकम जो है 15% जो है 15% लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, बाकी ग्राफ नहीं देखना, मैं केवल इस लाइन की बात कर रहा हूं, केवल इस वाली लाइन की बात कर रहा हूं। 15% इनकम थी, 15% लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, 20% इनकम थी, 20% लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, 60% इनकम थी, 60% लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। मान लीजिए अगर इस देश की, भारत की आय 100 रुपए है, कितनी है 100 रुपीज है, और भारत की जो पॉपुलेशन है वो 100 आदमियों की है, मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, भारत की जो इनकम है, पूरी इनकम वो 100 रुपए है और भारत की पॉपुलेशन 100 रुपए है, इस ग्राफ से आप क्या समझते हैं, हर प्रति व्यक्ति कितना रुपया मिलेगा, हर आदमी कितने रुपए मिलेंगे बताइए, प्रति व्यक्ति, हर व्यक्ति को कितने रुपए मिलेंगे, प्रति व्यक्ति कितने रुपए मिलेंगे, हर व्यक्ति को कितना रुपया मिलेगा बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में। अगर 15% जो है 15% लोगों में वितरित हो रहा है, 20% इनकम जो है 20% लोगों में हो रही है, 60% 60 में हो रही है, 100% 100 में हो रही है, तो प्रति शाबाश, यानी एक व्यक्ति को 1 रुपया मिल रहा है, क्लियर है ना, ये तो है इक्वलिटी की बात कि हर व्यक्ति को 1 रुपया मिल रहा है, यानी जितनी देश की इनकम है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गई पॉपुलेशन, क्लियर, ये बताया है आपका किसने, परफेक्ट इक्वलिटी लाइन ने। अब आ जाइए एक बार मैं इसको रफ कर देता हूं ताकि आपको और क्लियर हो। अब देखिए इस परफेक्ट लाइन को भूल जाओ, ये आपने येलो वाली लाइन दिख रही है आपको, येलो वाली लाइन दिख रही है, येलो वाली लाइन दिख रही है कि नहीं दिख रही है, चलिए अब आइए, अगर मैं इस येलो लाइन की बात करूं, यहां पे पॉपुलेशन 60 है, तो यहां पे लगभग यहां पे मैं मान लू 40% मान लू पॉपुलेशन, लगभग 40% होगी इस पॉइंट पे, यहां पे 40% होगी कि नहीं होगी, 40% पॉपुलेशन को कितना पैसा मिल रहा है, कितनी इनकम हो रही है, केवल 15% दोस्तों, सच्चाई ये है ना, बात करते हैं परफेक्ट की, देख रहे हैं 40% लोगों को केवल 15% इनकम, जो भारत की इनकम है, भारत की जो इनकम है उस इनकम का केवल 15% हिस्सा 40% लोगों में बढ़ जाता है, यानी अगर भारत के पास 100 रुपए हैं तो उस 100 रुपए में से 15 रुपए 40 लोगों में बांटे जाएंगे, हम बात कर रहे थे 1 रुपया एक बंदे पाना चाहिए, तो अगर 15 रुपए 40 लोगों में बांटे जा रहे हैं तो आप ये बताइए क्या प्रति व्यक्ति 1 रुपया आएगा, क्या हर व्यक्ति पे 1 रुपया आएगा, यस और नो, क्या अब हर व्यक्ति पे 1 रुपया आएगा बताइए, क्या अब हर व्यक्ति को 1 रुपया मिलेगा, नहीं मिलेगा, शाबाश, यानी कि बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब आइए अगर मैं यहां पे 60% है, इस ये रही येलो कर्व, 60% लोगों को कितना मिल रहा है, केवल 20%, ठीक है, यानी कि 60% लोगों को 20% मिल रहा है, यानी कि अगर मैं बात करूं 60% लोगों को 20% मिल रहा है, अच्छा थोड़ा सा और ऊपर चलूं, यहां आ जाऊं, यहां लगभग आ जाएगा यहां 80 ये 80 मान लो इसको, अगर मैं 80 की बात करूं तो देखो यहां से कितना आ रहा है, यानी कि लगभग 35%, और मैं बात करूं लगभग कितने की बात करूं, लगभग अगर मैं बात करूं 90% की बात कर लूं, 90% यानी कि 70%, यानी आप देख रहे हैं 90% जनसंख्या तो 70 रुपए पे 70% पे डिपेंड कर रही है, बाकी जो 30% है आप देख रहे हैं वो ऐशका, बाकी जो 10% है, केवल जो 10% है उनको 30% मिल रहे हैं, उनको 30% मिल रहे हैं, तो समझ रहे हैं आप, मतलब 10 मान ली, आप देखो 70 रुपए में तो एक साइड सारी जनसंख्या, लगभग सारी जनसंख्या 90%, और 30 रुपए में 30% में बाकी 10%,
तो यानी कि आप समझ रहे हैं जो नंबर जो रिसोर्सिस का डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, रिसोर्सिस का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, यानी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है वेल्थ का, इनकम का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। क्लियर है आपको यहां तक? इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? ठीक, तो यानी कि किसी भी देश में जो ये लोरेंस कर्व है ये क्या बताता है? इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। क्या बताता है? इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्लियर है आपको यहां तक? इट क्लियर और नॉट? ये समझ में आया तो आगे बढ़ता हूं, मुझे बताओ। नहीं समझ में आया दोबारा बताऊंगा, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। हाँ, ना इंसाफी तो है। आप ये देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, अब आप छोटा सा एग्जांपल समझो। मुकेश अंबानी है, वो काम भी करते हैं, ऐसी बात नहीं, मैं उनका एंटी नहीं हूं, वो काम बहुत करते हैं, लेकिन आप समझो मुकेश अंबानी के पास पैसा लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या कारण है? ठीक है, और गरीब गरीब हो रहा है। आप देखिए, आप सड़क पर निकल जाओ, जहां भी आप रहते हो, भारत के जिस भी कोने में आप रहते हो, आप सड़क पर निकल जाओ, 10 किलोमीटर चल जाओ पैदल, 10 किलोमीटर में कम से कम 5-7 आपको भीख मांगने वाले लोग मिल जाएंगे। ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके जिनके तन पे कपड़े नहीं होंगे और मुंह में खाना नहीं होगा। ठीक है, ऐसे लोग आपको बहुत मिल जाएंगे, तो समझ रहे हैं? और अब ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो होटल में खाना खाते हैं, उनके बच्चे पिज्जा खाते हैं, डोमिनोज में जाके थोड़ा सा खाते हैं और कहते हैं मम्मी ये उस आउटर जो लेयर है ये अच्छी नहीं लग रही, मैंने चीज चीज खा लिया, इसको साइड में रख दो। एक बंदा 1000 रुपए पिज्जा पे खर्च कर रहा है और उसका थोड़ा सा पार्ट खाया, और कुछ लोग जो 1000 रुपए में हफ्ते भर खाना खा सकते थे उनको 1000 रुपए भी मोहताज नहीं हो रहे। तो समझ रहे हैं आप भारत की क्या स्थिति है अभी? ठीक है, उसको पाटना होगा। लोरेंस कर्व क्या बताता है? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बताया। तो लोरेंस ने क्या कहा? लोरेंस ने बताया कि ये जो जो गैप है, ठीक है, ये उसने किसकी बात करी कि बताया कि लोरेंस कर्व अगर ज्यादा होगा, ये कर्व जो है ये इधर की साइड बढ़ता चला जाएगा, तो इट्स मींस क्या हो रहा है कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। उसके बाद करते हैं गिन्नी कोफिशिएंट। गिन्नी कोफिशिएंट लोरेंस ने तो एक ग्राफ की फॉर्म में बता दिया, ये ग्राफ की फॉर्म में शो कर दिया लोरेंस ने। गिन्नी ने क्या कहा? गिन्नी इटालियन साइंटिस्ट थे, इटली के साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या करा, इसी इनइक्वालिटी को, इस इनइक्वालिटी को फॉर्मूले की बेस में बताया। उन्होंने कहा ये देखो, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट इसको बोल दिया, इस पूरे को उसका बोल दिया एरिया ए। क्या बोल दिया दोस्तों? इसका एरिया ए बोल दिया, और यहां से लेकर यहां तक ये वाला जो पार्ट है इस पूरे को बोल दिया एरिया बी। उन्होंने कहा कि अगर आपको इनइक्वालिटी का जो इनकम इनइक्वालिटी फाइंड आउट करनी है तो कुछ नहीं करना, आपको क्या करो, ए अपॉन यानी इसका एरिया निकालो और इसका एरिया निकालो और ए अपॉन ए प्लस बी कर दो, तो आप क्या फाइंड आउट कर आएंगे, आपको क्या निकल जाएगा, डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी पता लग जाएगी कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना गैप है पॉपुलेशन में। अगर 100 रुपए किसी देश के पास है तो वो कितना कितना अपने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, ये बताया था गिनी ने। किसने बताया था? गिनी ने ये क्लियर किया था। अब समझिए, ये तो पूरा मैंने आपको थ्योरी बताई, क्वेश्चन कैसे बनता है यूपीएससी में, क्वेश्चन कैसे बनता समझिएगा। ये तो मैंने आपको, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि अगर मान लीजिए किसी परसेंट से उसने घुमाने की कोशिश करी आपको, क्योंकि यूपीएससी घुमाता है, तो आप तैयार रहें, क्वेश्चन बनता है केवल इन 2 पॉइंट से। अब समझिए, अगर देश की जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ने का मतलब इनकम बढ़ रही है, समझिए, अगर देश की जीडीपी बढ़ रही है यानी कि इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, और ये लोरेंज कर्व का स्लोप, एलसी मतलब लोरेंज कर्व, और ये नीचे का मतलब इसका स्लोप डाउन जा रहा है, अगर जीडीपी बढ़ रही है, देश की इनकम बढ़ रही है और लोरेंज कर्व का स्लोप डाउन हो रहा है, तो वो एक्सक्लूसिव ग्रोथ होता है। अब एक्सक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है समझिए, एक्सक्लूसिव ग्रोथ और इंक्लूसिव ग्रोथ में समझिए पहले अंतर, पहले दोनों में इसमें अंतर बताता हूं। इंक्लूसिव ग्रोथ और एक्सक्लूसिव ग्रोथ मैक्सिमम स्टूडेंट को पता नहीं होता। आपने कहा, आपने मुहावरा सुनते होंगे, आप जगह जगह लिखा भी होगा, मोदी गवर्नमेंट ने बहुत शोर भी मचाया इस पे कि सबका साथ सबका विकास, बोला ना, क्या बोला, सबका साथ सबका विकास बोला ना। गिन्नी
वो एक बार गिन्नी ने क्या बताया, गिन्नी ने यही बताया, गिन्नी ने देखो लॉरेंस ने तो ये जो इक्वलिटी है ये ग्राफ से दर्शा दी, ये ग्राफ बना के, ठीक है। गिन्नी ने क्या करा, गिन्नी ने कहा इस एरिया को फाइंड आउट करो मैथमेटिकल वे में बताया, और ये नीचे का एरिया निकालो, इसको बी बोला इसको ए बोला, इस फॉर्मूले से आप फॉर्मूले में रखो, यू विल फाइंड आउट द जो क्या निकालोगे, गिन्नी कोफिशिएंट निकाल दोगे, और गिन्नी कोफिशिएंट क्या होगा, गिन्नी कोफिशिएंट अगर अभी लिखवाता हूं मैं, ठीक है। उसने बोला अगर आपका गिन्नी कोफिशिएंट, याद रखिएगा पहले एक बार ये देख लीजिए फिर गिन्नी कोफिशिएंट बताऊंगा, ठीक है। ये गिन्नी कोफिशिएंट निकालने का तरीका है, पहले आप ये समझिए एक्सक्लूसिव ग्रोथ और इनक्लूसिव ग्रोथ में डिफरेंस। इनक्लूसिव का मतलब है सबका साथ सबका विकास, क्या सबका साथ सबका विकास साधारण भाषा में, एक्सक्लूसिव का मतलब सबका साथ विकास एक का, सबका साथ विकास कुछ लोगों का। अब देखिए इंक्लूसिव ग्रोथ में क्या होता है, पूरा भारत लगातार काम कर रहा है, लगातार काम कर रहा है, लगातार काम कर रहा है, मुल्क को आगे बढ़ा रहा है, यानी कि पूरे भारत ने काम किया और एक इनकम का पेड़ लगाया, क्या लगाया, इनकम का पेड़ लगा दिया, पूरे भारत ने खूब मेहनत करी, मेहनत करके एक इनकम का पेड़ लगा दिया, यानी एक पैसों का पेड़ लगा दिया, तो उस पेड़ ने फ्रूट्स दिए, फल दिए, और वो फल अगर कुछ ही लोग खा जाएं, कुछ ही लोग खाएं, तो उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव ग्रोथ, क्या बोलते हैं एक्सक्लूसिव ग्रोथ, और जब उस पेड़ के हर कोई जाके फल खा सके तो दैट इज कॉल्ड इनक्लूसिव ग्रोथ, उसको क्या बोलते हैं इनक्लूसिव ग्रोथ बोलते हैं। दोबारा समझिए, मान लीजिए भारत में सभी लोगों ने, ठीक है, मान लीजिए 100 लोगों ने मिलकर एक सड़क का निर्माण किया, क्या करा, 100 लोगों ने शानदार तरीके से एक सड़क का निर्माण किया, और 100 में से केवल और केवल दो ही लोग उस सड़क का आनंद ले सकते हो, बाकी को 98 को सड़क पे जाने की परमिशन भी ना हो, दैट इज कॉल्ड योर एक्सक्लूसिव ग्रोथ, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव ग्रोथ। और 100 ने मेहनत करके सड़क बनाई, अपना पैसा खर्च किया उस सड़क बनाने में, और 100 के 100 आनंद ले रहे, सड़क पे चल पा रहे हैं, बाइक लेके जा रहे हैं, टैक्सी लेके जा रहे हैं, कुछ भी लेके जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इनक्लूसिव ग्रोथ, यानी सबका साथ सबका विकास इनक्लूसिव, सबका साथ कुछ ही का विकास, दैट इज कॉल्ड योर एक्सक्लूसिव ग्रोथ। क्लियर, आप समझिए, अगर जीडीपी बढ़ रही है यानी देश की इनकम बढ़ रही है, क्या हो रही है, देश की इनकम बढ़ रही है, और लॉरेंज कर्व का स्लोप घटता जा रहा है, यानी कि स्लोप यहां से यहां आ गया और घट गया यहां आ गया और घट गया यहां आ गया, अगर ऐसे हो रहा है, अगर स्लोप क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, स्लोप कम होता जा रहा है, देखो स्लोप ऐसे ऐसे, यानी कि नियर टू जीरो, इधर की यहां आने की कोशिश कर रहा है, ऐसे होता जा रहा है, ऐसे होता जा रहा है, ये स्लोप क्या हो रहा है, ठीक है। अगर ये स्लोप क्या हो रहा है दोस्तों, डाउन होता जा रहा है, मतलब नीचे की ओर जा रहा है, घटना नहीं, डाउन होता जा रहा है, ठीक है। अगर ये स्लोप डाउन होता जा रहा है, डाउन होता जा रहा है, डाउन होता जा रहा है, तो इसका मतलब ये देखे खाई कितनी बन गई, इसी पे देखो आप, इस वाले ग्राफ पे आपने बताया था कि 60% लोगों को 20% इनकम जा रही है, तो यार ये ग्राफ बढ़ता रहेगा तो क्या होगा, कुछ ही लोगों के पास, कुछ लोगों के पास कुछ हिस्से को थोड़े से पैसे में तो बहुत सारे लोग हो जाएंगे, और बहुत पैसे में कुछ ही लोग होंगे, तो दैट इज कॉल्ड द एक्सक्लूसिव ग्रोथ, यानी कि भारत की इनकम का अगर ये लॉरेंस जो लॉरेंस कर्व है अगर ये डाउन हो रहा है, नीचे लगातार नीचे की ओर बढ़ता जा रहा है, तो क्या होगा, भारत की 10% इनकम में 10% में तो क्या होगा दोस्तों, सारी पॉपुलेशन होगी, और बाकी 90% इनकम में क्या होगी, केवल 10% पॉपुलेशन होगी, यानी कि 10 रुपए में तो 90 लोग और 90 रुपए में 10 लोग, ये होगा अगर जीडीपी बढ़ रहा है और लॉरेंस कर्व भी डाउन होता जा रहा है। क्लियर, दूसरा, अगर जीडीपी बढ़ रही है, देश की इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, और जो लॉरेंस कर्व है, लॉरेंस कर्व है, लॉरेंस कर्व भी बढ़ता जा रहा है, ऊपर की ओर उठता जा रहा है, तो देखो यहां आया, फिर यहां आएगा, फिर यहां आने की कोशिश करेगा, जैसे ही यहां आ जाएगा, यानी मींस इंक्लूसिव ग्रोथ होगा, सबका साथ सबका विकास, सारी इनकम प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट होगी। क्लियर है आपको यहां तक, इज इट क्लियर और नॉट क्लियर, चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा गिन्नी कोफिशिएंट्स के बारे में। गिन्नी ने क्या कहा, गिन्नी कोफिशिएंट इज डिजायर्ड एज ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, या तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी या वन आएगी,
या तो इसकी वैल्यू जीरो आएगी या वन आएगी। अगर इसकी वैल्यू क्या आती है, जीरो, क्या आती है इसकी वैल्यू, अगर जीरो आती है तो इट्स मीन्स परफेक्ट इक्वलिटी। क्या है? परफेक्ट इक्वलिटी, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है उसमें किसी भी तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भी भेदभाव नहीं है। एक रुपया एक बंदे को मिलेगा, यानी अगर 100 लोग हैं, 100 रुपए हैं तो एक एक रुपया सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर गिन्नी कोफिशियंट आपका कितना है, जीरो है, और अगर गिन्नी कोफिशियंट वन है तो इट्स मीन्स हायर इनइक्वलिटी, तो इनइक्वलिटी टॉप पर है। कुछ नहीं पता, किसी मान लिए 90 आदमी को कितने 10 रुपए मिलेंगे, 10 रुपए 90 आदमी में डिस्ट्रीब्यूट होंगे और 90 रुपए 10 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होंगे अगर आपका गिन्नी कोफिशियंट बना है। याद रखिए गिन्नी कोफिशियंट हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है, 0 से 1 के बीच में होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इस टेबल को बहुत अच्छे से आप समझ लो क्योंकि इस पे कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है इन द फॉर्म ऑफ जीडीपी, लॉरेंस कर्व के स्लोप के रिलेटेड और एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव ग्रोथ से रिलेटेड। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ए और बी की वैल्यू, अच्छा ए बी की वैल्यू कहां से लेंगे, देखो ए की वैल्यू मैंने बताया, ये बताया था मैंने ए की वैल्यू के लिए, ये देखो आपके पास ये परफेक्ट लाइन वाला है और एक आपको येलो लाइन दिखा रहा होगा, ये येलो लाइन है लॉरेंस कर्व। ठीक है, यहां से ये एरिया, ये ए मतलब एरिया, ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा हो गया आपका एरिया ए। ठीक है, बी क्या है, इस ग्राफ को यहां ऐसे मिला दीजिए, ऐसे मिला लेंगे ना, बी क्या है, देखो बी क्या है, ये पूरा का पूरा, दैट इज योर बी, ये क्या है बी, ऐसे नहीं मतलब कोई निकालने के लिए नहीं बोला जाएगा आपसे, मैंने बताया है ताकि आपको मैं बोल देता ए प्लस बी नहीं, आपको पता होना चाहिए कि ये ए कहां से आया बी कहां से आया। ठीक है, ये पूरा एरिया निकालना, अब आप एरिया थोड़ी निकालोगे, कोई कह दे मैथ फॉर्मूला थोड़ी लगाना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये एरिया बी है। ठीक है, लॉरेंस से नीचे वाला, लॉरेंस कर्व के ऊपर वाला, लॉरेंस कर्व और इक्वलिटी लाइन के बीच का एरिया क्या कहलाता है, ए कहलाता है, और लॉरेंस कर्व के बैक वाला हिस्सा आपका क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा। क्लियर है आपको यहां तक, क्लियर है, यहां से हम ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर है आपको यहां तक, लॉरेंस कर्व और गिन्नी कोफिशिएंट के बारे में। ठीक है, तो याद रखिए अगर लॉरेंस कर्व, अब एक सवाल है, अगर लॉरेंस कर्व आपका, जो लॉरेंस कर्व है, लॉरेंस कर्व आपका लाइन ऑफ इक्वलिटी की ओर जा रहा है, लॉरेंस कर्व अगर लाइन ऑफ इक्वलिटी, ठीक है, परफेक्ट इक्वलिटी लाइन की ओर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्सक्लूसिव ग्रोथ और इंक्लूसिव ग्रोथ, राइट डाउन बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर आपका लॉरेंस कर्व, ये वाला लॉरेंस कर्व, ये पीली वाली लाइन है, अगर परफेक्ट इक्वलिटी लाइन की ओर जा रहा है तो क्या होगा, एक्सक्लूसिव ग्रोथ होगा, इंक्लूसिव ग्रोथ होगा, वेरी गुड, शाबाश। नहीं नहीं, बी सचिन ने पूछा है कि सर अगर बी अपॉन ए प्लस बी होगा, नहीं ये फॉर्मूला दिया इसमें आपको रखना है, होगा क्या, ठीक है, मान लीजिए अगर ये है कि 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 है तो 5 प्लस 4 क्या होगा, नहीं लो उसने कहा इसके अंदर रखिए, गिनी ने निकाला है फॉर्मूला कि अगर आपको इनइक्वलिटी फाइंड आउट करनी है तो आपको इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, इंक्लूसिव, क्लियर है ना आपको, इंक्लूसिव, अभी इंक्लूसिव ग्रोथ और एक्सक्लूसिव ग्रोथ, पेपर जीएस पेपर थर्ड में बाकायदा इंक्लूसिव ग्रोथ और एक्सक्लूसिव ग्रोथ काफी बड़ा दिया हुआ है, तो समझ रहे हैं आप। ठीक है, आप अगर ये मैंने इसलिए अच्छे समझाया, अदरवाइज सब इसको क्या करते हैं, एक दो पॉइंट बोल देते हैं और बोल के निकल जाएंगे। मैंने इसलिए आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आप इस ग्राफ का इस्तेमाल जीएस पेपर थर्ड में भी कर सकते हैं। अगर मैं बोल रहा हूं 3-4 क्वेश्चन आते हैं जीएस पेपर थर्ड में, तीन क्वेश्चन आते हैं, 3 या 4 क्वेश्चन बनते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, 3 या 4 है ना, 4 आते हैं कई बार, 3 आते हैं, तो याद रखिए 2 के अंदर आप ये वाला ग्राफ तो यूज कर सकते हैं, ये इंक्लूसिव ग्रोथ और एक्सक्लूसिव ग्रोथ को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्लियर है आपको, शाबाश, पहले इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव ग्रोथ मैं पढ़ता था, मेरे को भी नहीं आता था, इसीलिए मैंने इस पे, मैंने कहा यार आज इसको समझेंगे अच्छे से ना, मेरे भी नहीं आता था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कुजनेट्स कर्व के बारे में, कुजनेट्स कर्व, पहले तो आपको बात करते हैं
पर कैपिटा इनकम की। पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या है, किसी देश की इनकम डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, यानी कि जो टोटल इनकम है, टोटल कमाई है, उसको जनसंख्या से डिवाइड कर दो तो क्या निकल जाता है, पर कैपिटा इनकम निकल जाता है। अब इसमें समझिएगा ये कर्व क्या बताता है। ये कर्व कहता है कि देखिए दो तरीके की कंट्रीज होती हैं, दो तीन तरीके की होती हैं, लेकिन इसने केवल बात की है डेवलपिंग और डेवलप्ड की। ठीक है, डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री की बात की है, इसने अंडर डेवलप्ड कंट्री की बात नहीं की। कौन कौन सी कंट्रीज होती है, एक अनडेवलप्ड कंट्रीज होती है, एक डेवलपिंग कंट्रीज होती है, और एक डेवलप्ड कंट्रीज होती है, डेवलप्ड नेशंस होते हैं। ठीक है, तो तीनों का मैंने कई बार बता चुका हूं, अगर तीनों को कोई डिफाइन करे, आप में से कोई बता सकता है अनडेवलप्ड कंट्रीज कौन सी होती हैं, अनडेवलप्ड नेशन कौन सा नेशन होता है, बताइए अनडेवलप्ड नेशंस कौन सा होता है, डेवलपिंग कौन सा होता है, और डेवलप्ड कौन सा होता है। ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर्स, इकोनॉमी के सेक्टर के बेस पे बताइएगा। इंडिया तो है ही डेवलपिंग। देखिए, जो देश प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर करता है, यानी प्राइमरी सेक्टर पे, इकोनॉमी के प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड करता है, प्राइमरी सेक्टर को दूसरे नाम से क्या जानते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, जो भी देश पूर्ण रूप से खेती बाड़ी पर डिपेंड करता है वो होता है अनडेवलप्ड नेशन। दूसरा, जो देश खेती बाड़ी से निकलकर औद्योगीकरण की ओर मूव कर रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर की ओर मूव कर रहा है, यानी प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीयक क्षेत्र की ओर मूव कर रहा है, उसको बोलते हैं डेवलपिंग नेशंस। क्या बोलते हैं उसको दोस्तों, डेवलपिंग नेशन। और जो देश द्वितीयक क्षेत्र यानी औद्योगिक क्षेत्र से निकलकर सर्विस सेक्टर की ओर मूव कर रहा है या सर्विस सेक्टर में पहुंच चुका है, उसको बोलते हैं डेवलप्ड नेशन। ठीक, तो जैसे हमारा इंडिया क्या है, वो डेवलपिंग नेशन है, अमेरिका क्या है, आपका डेवलप्ड नेशन है। राइट, शाबाश, बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक, तो अब यहाँ पर कैपिटा इनकम की बात की गई और इनकम इनइक्वालिटी की बात की गई है। तो इसने बताया है, कुर्ज़निट्स कर ने बताया है कि जो डेवलपिंग नेशंस होते हैं, जैसे इंडिया है, तो इंडिया में क्या होता है, पर कैपिटा इनकम और इनकम इनइक्वालिटी की बात की गई है। उसने कहा है कि इनकम इनइक्वालिटी है बहुत ज्यादा है, किसी की कमाई 5 रुपए है, किसी की 10 है, किसी की 1 लाख है, किसी की 1 घंटे में कोई कमाता है, पूरे दिन के अंदर कोई कमाता है 200 रुपए, कोई 1 घंटे के अंदर 2 लाख रुपए कमाता है, 2 करोड़ कमाता है। तो ऐसा ज्यादातर डेवलपिंग नेशंस में होता है। तो इस कर्व ने क्या कहा, इस कर्व ने कहा कि देखिए, जैसे ही आपकी क्या होगी दोस्तों, जैसे जैसे आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ती रहेगी। पर कैपिटा इनकम का मतलब है, मान लीजिए क्या होगा, अभी इंडिया की बात करो, इंडिया में क्या है, अभी एक आदमी की पर कैपिटा इनकम 100 रुपए है, यानी कि मान लीजिए एक आदमी की पूरे दिन की इनकम 100 रुपए है और दूसरी कितनी है, 10,000 रुपए। ठीक, अब क्या, कुछ दिन बाद फिर पर कैपिटा इनकम भी, अब क्या हुआ, एक आदमी की इनकम कितनी है, 200 रुपए है, दूसरे की 1200 है, फिर पर कैपिटा इनकम बढ़ी, एक आदमी की 300 रुपए है, दूसरे की 1500 रुपए और बढ़ी। यानी धीरे धीरे पर कैपिटा इनकम जब बढ़ती रहेगी, तो जब, याद रखिए, जब पर कैपिटा इनकम किसी देश में बहुत कम हो, पर कैपिटा इनकम कम हो, तो क्या होता है, आपका इनइक्वलिटी भी बहुत कम होती है। क्या होती है, इनइक्वलिटी बहुत कम होती है। मान लीजिए भारत में सारे नंगे भूखे हैं, ठीक है, समझो ऐसे भारत में सबको 2 रुपए कमाते हैं रोज की, 1 रुपया 2 रुपए 3 रुपए कमाते हैं, तो यार क्या इनइक्वलिटी होगी, कुछ भी इनइक्वलिटी नहीं होगी। ठीक है, मान लीजिए मैं 10 रुपए कमाता हूँ, दूसरा वाला भी 10 रुपए कमाएगा, तीसरा भी 10 रुपए कमाएगा। लेकिन क्या होगा, धीरे धीरे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो इनइक्वलिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है, जब पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा, मान लीजिए किसी की 100 रुपए हो गई, किसी की 150 हो जाएगी, किसी की 500 होगी, किसी की 1000 हो जाएगी, तो इनइक्वलिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो इनइक्वलिटी बढ़ेगी 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 और एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जिसको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट ऑफ इनकम। तो देखो, अगर यहाँ पर कैपिटा इनकम, ठीक है, क्या है, मान लीजिए पर कैपिटा इनकम फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए है, तो यहां देखिए, यहाँ पे इनइक्वलिटी इतनी है। ठीक है, अगर मान लीजिए 200 रुपए है तो ये बढ़ जाएगी, यानी कि जैसे जैसे
पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो इनइक्वलिटी भी बढ़ती रहेगी, इनइक्वलिटी बढ़नी आएगी। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा दोस्तों, एक ऐसा आ जाएगा जिसके बाद क्या होगा, मान लीजिए सपोज कीजिए आप मुझे मिलते हैं 10 रुपए, आपको मिलते हैं 100 रुपए, तो क्या हुआ, इनइक्वलिटी गैप बहुत बड़ा है ना, मैं सारे संसाधन नहीं रिसीव कर पाता। और मान लीजिए एक ऐसा पॉइंट आ जाए कि मेरी सैलरी कितनी, मारी मेरी एक दिन की सैलरी कितनी, 10,000 रुपए, आपकी कितनी है, 12,000 रुपए, क्या फर्क पड़ता है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। जब हम उस पोजीशन में पहुंच जाते हैं तो वो होती है डेवलप्ड इकोनॉमी। डेवलप्ड इकोनॉमी में क्या होता है, जो इनइक्वलिटी है, इनकम इनइक्वलिटी है, वो कम होता है, यानी लोगों में, लोगों की जो सैलरीज है, लोगों की जो कमाई, उसमें अंतर कम होता है। अगर मतलब सब लोगों के अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है पैसे का, पैसे का लगभग लगभग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, यानी पर कैपिटा जो इनकम है वो सब समान होती है, एक लगभग लगभग एक जैसी होती है, ठीक है। जब लगभग लगभग एक जैसी होगी तो वो कब होती है, जब खूब सारी पर कैपिटा इनकम हो। अब मान लीजिए भारत है, भारत की बात कर लेता हूँ, भारत में एक व्यक्ति को रोज की 10 रुपए मिलते हैं, एक को एक दिन के 10,000 मिलते हैं, तो देख रहे पर कैपिटा में कितना लंबा गैप है, यानी मतलब इनकम में कितना गैप है, ठीक है, और गैप है तो इससे क्या इनइक्वलिटी कितनी ज्यादा हो रही है। अब बात करते हैं अमेरिका में, अमेरिका में देखिए, अमेरिका में क्या है कि एक आदमी को 10,000 मिलने हैं तो दूसरे को हो सकता है 9,000 मिलने, वही काम करने का, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना इनकम का वो ज्यादा नहीं है, क्या है, इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, गैप है, वो ज्यादा नहीं है। हाँ, भारत में इनइक्वलिटी जो गैप है वो ज्यादा है, ये अगर मैं यहां बात करूं तो ये पूरी की पूरी टर्म किसकी बैठ रही है, ये बैठे इंडिया की। इंडिया में अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, इंडिया में अगर लोगों की आमदनी बढ़ रही है तो इनइक्विटी भी बढ़ रही है, समझिए ये गैप क्या बताना चाह रहा है, ये गैप बताना चाह रहा है अगर लोगों की पर कैपिटा इनकम यानी अगर एक प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो इनइक्विटी भी बढ़ रही है। लेकिन जब एक ऐसा पॉइंट आ जाए, उस पॉइंट के बाद लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़े यानी प्रति व्यक्ति आय बढ़े लोगों की, और इनइक्विटी यानी कि दो लोगों के बीच की इनकम का गैप कम हो जाए, तो उसको बोलते हैं डेवलप्ड इकोनॉमी। एक तो मैंने आपको ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेस बताया था, इकोनॉमिक डेवलपिंग नेशंस, और आपका डेवलप्ड नेशंस किस किस के बेस बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर के। दूसरा याद रखिएगा, इसके बेस पर कुज़नेट्स ने क्या कहा, कुज़नेट्स ने डेवलपिंग नेशंस और डेवलप्ड नेशंस ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम और इनकम इनइक्वलिटी के बेस बताया। कुज़नेट्स ने कहा कि जब पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, जब पर कैपिटा इनकम बढ़े और इनकम इनइक्वलिटी भी बढ़े, जब पर कैपिटा इनकम भी बढ़े और इनकम इनइक्वलिटी भी बढ़े, तो ऐसे देश को क्या बोलते हैं, डेवलपिंग नेशंस, क्या बोलते हैं, डेवलपिंग नेशन। और ऐसा देश जब पर कैपिटा बढ़े और इनकम इनइक्वलिटी क्या हो जाए, घट जाए, तो ऐसे देश को क्या बोलते हैं, डेवलप्ड इकोनॉमी, क्या बोलते हैं, डेवलप्ड इकोनॉमी। नहीं समझ में आया, दोबारा बताते हैं, देखो क्या बोला मैंने आपको बताया कि तीन तरीके के नेशंस होते हैं, अनडेवलप्ड, दूसरा डेवलपिंग, तीसरा डेवलप, तीनों को इकोनॉमी के सेक्टर के बेस पे बताया। अब कुज़नेट्स ने क्या कहा, कुज़नेट्स ने उन्हीं कंट्रीज को ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम और इनकम इनइक्वलिटी के बेस पे बताया। कुज़नेट्स ने क्या कहा, अगर किसी कंट्री की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है यानी प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, पहले मेरी मान लीजिए मेरी आज जो एक दिन की कमाई थी 100 रुपए थी, फिर दो महीने बाद क्या हुआ, मान लीजिए मेरी क्या हुई, मेरी जो पर जो मेरी एक दिन की सैलरी थी वो मान लीजिए 500 रुपए हो गई, पहले 100 थी अब 500 हो गई, बढ़ती जा रही है। अगर पर कैपिटा इनकम बढ़े किसी देश में लोगों की और उसके साथ साथ इनकम इनइक्वलिटी भी बढ़े, तो ऐसे देश को क्या बोलते हैं, डेवलपिंग नेशंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेवलपिंग नेशन या डेवलपिंग इकोनॉमी। और ऐसे देश जिसमें पर कैपिटा इनकम तो बढ़ रही है यानी प्रति व्यक्ति आय तो बढ़ती जा रही है, लेकिन लोगों की इनइक्वलिटी यानी इनकम इनइक्वलिटी ना बढ़े, कम हो रही हो, उसको बोलते हैं डेवलपिंग इकोनॉमी, यानी समान रूप से सबकी इनकम बढ़ रही हो। भारत में क्या है, भारत में क्या होता है, मेरी अगर मान ली 500 रुपए एक दिन की कमाई, तो मुकेश अंबानी की एक दिन कितनी है, 50 करोड़ है। देयर इज अ गैप, एक लंबा चौड़ा गैप है, इनइक्वलिटी डिफरेंस है, देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशंस ऑन द इनकम, ठीक है। मेरी मान लीजिए अगले महीने मेरी मान लीजिए सैलरी जो है 10,000 से बढ़कर 50,000 हो गई, तो मुकेश अंबानी की 50 करोड़ की जगह 1
70 करोड़ हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि एक लंबा चौड़ा गैप है, वही तो इसको बोलते हैं डेवलपिंग नेशन कुजनेट्स का। वही अगर मैं डेवलप्ड इकोनॉमी की बात करूं, डेवलप्ड इकोनॉमी में क्या होता है, सब पर कैपिटल इनकम बढ़ रही है, यानी कि अगर मेरी 10,000 बढ़ रही है, मेरी पर कैपिटल इनकम 10,000 है, तो दूसरे की हो सकती है 11,000 हो, ठीक है। अगर मान लीजिए दूसरे की 17,000 बढ़ी है, 17,000 हो गई है सैलरी, तो हो सकता है मेरी भी 16.5 हो गई होगी, तो गैप कम होता है। तो ऐसे देशों क्या बोलते हैं, डेवलप्ड इकोनॉमी बोलते हैं। क्लियर है ना? चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इज द फ्लिप कर्व। फ्लिप कर्व मैं कई बार बता चुका हूं लेकिन फिर भी बताऊंगा आपको, ठीक है। फ्लिप ने क्या कहा, फ्लिप कहता है अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है, ठीक है, महंगाई बढ़ रही है, क्या हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम हो जाएगा। यानी कि अगर महंगाई आ रही है, ठीक है, मैं साधारण भाषा में बात करता हूं, इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन आ रही है तो बेरोजगारी कम हो जाएगी, ठीक। इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, इंक्रीजिंग इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज इन्फ्लेशन। यानी मुद्रास्फीति क्या है, वस्तुओं और सेवा के मूल्य में समय के साथ होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं दोस्तों, इन्फ्लेशन कहते हैं, यानी मुद्रास्फीति कहते हैं। और जो फिलिप ने कहा कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है, यानी कि अगर चीजों के और वस्तुओं के और सेवा के मूल्य में वृद्धि होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, ये इसने कर्व दिया। देखो आपने जैसे जैसे क्या हो रहा है, हमारा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है। देखो जैसे जैसे यहां, देखो यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है, यहां पे यहां इतनी हो गई, यहां पे यहां देखो, तो इन्फ्लेशन यहां कम है, अनएम्प्लॉयमेंट यहां ज्यादा हो गई। जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। अब इसको समझो एक साधारण एग्जाम्पल से, ये मान लीजिए कौन सा बिस्कुट का पैकेट है, कौन सा बिस्कुट का पैकेट है, पार्ले जी, जी माने जीनियस, पार्ले जी बिस्कुट का पैकेट है, ठीक है। अभी पार्ले जी का जो बिस्कुट का पैकेट है, इसका जो कंपनी का ओनर है, उसने सोचा, वो बैठा था एक बेचारा, उसने सोचा यार इस बार दिवाली पे क्या काम करता हूँ, जो दिवाली होगी इस बार अपने जितने भी एम्प्लॉय है उनकी सैलरी को बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अभी दिवाली में आने में 10 से 11 महीने थे, वो बैठा हुआ सोच रहा था कि अपने सारे जितने भी एम्प्लॉय है, मेरे यहाँ 2000 एम्प्लॉय है, उन सबके सबको क्या कर दूं, उनकी सैलरी को मैं बढ़ा दूं और क्या करूं, और थोड़ा सा रोजगार पैदा और कर देता हूं, और इसके लिए एक फैक्ट्री और लगा लेता हूं, जब नई फैक्ट्री लगाऊंगा तो बाकी लोग भी आ जाएंगे, काम मिल जाएगा लोगों को, भाई काम भी मिल जाएगा, अपनी सैलरी के एम्प्लॉय ज्यादा एम्प्लॉय भी आ जाएंगे, और जब ज्यादा काम होगा तो मुझे भी प्रॉफिट होगा, उसने दिमाग में रखा। तो उसके लिए उसे चाहिए था पैसा, उसने पैसे के लिए क्या करा, ये पार्ले जी का जो बिस्कुट का पैकेट है 5 रुपए का था, इस पार्ले जी के बिस्कुट को पैकेट को उसने क्या कर दिया, 6 रुपए का कर दिया, कितने का कर दिया, 6 रुपए का कर दिया। अब जैसे ये 5 से 6 का हुआ, यानी कि क्या हुआ, जो प्रोडक्ट के प्राइस है वो बढ़ गए, जैसे प्रोडक्ट के प्राइस जो टाइम के अकॉर्डिंग बढ़े तो इन्फ्लेशन आ गया, मुद्रास्फीति आ गया। अब मुद्रास्फीति तो सब बेकार बताने के थे, महंगाई तो गड़बड़ है, लेकिन इस मुद्रास्फीति के 5 से 6 रुपए होने से क्या फायदा हुआ, ये जो फैक्ट्री का मालिक था एक और प्लांट लगाएगा, जब एक नया प्लांट और लगाएगा जिसको प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट से एक नया प्लांट और लगाएगा, इस नए प्लांट में और लोग काम करेंगे, नए लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, प्लस क्या होगा, इस पैसे से अपने जो लोगों की एम्प्लॉय जो एम्प्लॉय है उनकी सैलरी इंक्रीज करेगा, जब उनकी सैलरी बढ़ेगी तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो उनकी इनकम बढ़ेगी, जब उनकी इनकम बढ़ेगी तो उनकी जेब में पैसा आएगा, जब उनकी जेब में पैसा आएगा तो खूब शॉपिंग करेंगे, जब खूब शॉपिंग करेंगे तो बाजार से खूब सामान खरीदेंगे, जब सामान खरीदेंगे तो फैक्ट्रियां और सामान बनाएंगे, तो ये रन करेगी इकोनॉमी। तो इन्फ्लेशन इज गुड, इन्फ्लेशन इज गुड बट इन द लिमिटेड मैनर, लिमिटेड मैनर में। तो यही बात फ्लिप ने कही, फ्लिप ने कहा कि एक लिमिटेड मैनर के अंदर, लिमिटेड मैनर के अंदर इन्फ्लेशन अच्छी है, क्यों, क्योंकि यही इन्फ्लेशन अगर एक लिमिटेड मैनर में आए तो अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म कर देती है, क्या कर देती है, अनएम्प्लॉयमेंट को, बेरोजगारी को खत्म कर देती है। लेकिन फ्लिप का कर्व एक जगह आके फेल जाता है, एक जगह आके फ्लिप का कर्व फेल हो जाता है। आप में से कोई मुझे बता सकते हैं वो कौन सी इन्फ्लेशन है जो फ्लिप के कर्व को फेल कर देती है, कौन सी इन्फ्लेशन है जो फ्लिप के कर्व को फेल करती है, जो इसका उल्टा कर देती है,
शाबाश स्टैग इन्फ्लेशन, वेरी गुड, वेल डन। क्या हो रहा है, यानी कि अभी देखो इन्फ्लेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/अनएम्प्लॉयमेंट, इसको मैं लिख दूं एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, यानी कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, बट इन ए लिमिटेड मैनर होना चाहिए। लेकिन क्या होता है अगर इन्फ्लेशन भी बढ़ जाए और अनएम्प्लॉयमेंट घटने की जगह बढ़ने लगे, इन्फ्लेशन भी बढ़े और अनएम्प्लॉयमेंट घटने की जगह बढ़ने लगे, तो उसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन, नॉट स्टैग इन्फ्लेशन। स्टैग और इन्फ्लेशन को एक साथ मर्ज कर दिया गया, दैट इज द स्टैगफ्लेशन। क्या होता है, स्टैगफ्लेशन आ गया, तो क्या होता है स्टैगफ्लेशन में, याद रखिएगा इन्फ्लेशन भी बढ़ती है और आपकी क्या बढ़ती है अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है, यानी बेरोजगारी भी चरम सीमा पर होती है। जब बेरोजगार हो जाते हैं फिर वो घर जाएंगे और कच्ची दारू पिएंगे, 5 रुपए वाली पॉलिथीन वाला पिएंगे, फिर ढेर घुसाई ढेर मार पिटाई, तो फिर उससे बचने के लिए, क्योंकि फिर इससे बचने के लिए फिर एक संस्था है, वो कहते ना जब जब दुनिया में वो बढ़ती है तो एक शहंशाह निकल के आता है, वो क्या था, अपराध बढ़ता है शहंशाह निकल के आता है, तो एक शहंशाह निकल के आता है जिसको बोलते हैं आरबीआई, और आरबीआई की कमेटी है दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, वो निकल के आती है और इसको क्या करती है दोस्तों, इस इन्फ्लेशन को क्या करती है, किस किस रेट में लेके आने की कोशिश करती है, 10-12% में, या कितने परसेंट में, कितने परसेंट में लेके आने की कोशिश करती है, शाबाश मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, वेरी गुड, कितने में लेके आने की कोशिश करती है, हमेशा याद रखिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी काम करती है 2-6%, 2-6% इन्फ्लेशन है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो कहती है 2-6%, अगर 2 से कम होती है तो एक्शन में आ जाती है, 6 से ज्यादा हो जाती है तो एक्शन में आ जाती है, ठीक है। ये सारा कुछ मैं ये मॉनेटरी पॉलिसी का कई बार बता चुका हूँ ऑलरेडी, बैंक वाले चैप्टर में भी करा चुका हूँ, मॉनेटरी पॉलिसी में क्लियर करा चुका हूँ, राइट, वेरी गुड, 2-6%, 2-6% याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं एंजल कर्व की, ठीक है, एंजल कर्व, एंजल, ठीक है, ये क्या बताता है, ये बताता है एंजल कर्व डिस्क्राइब हाउ हाउसहोल्ड एक्सपेंडिचर ऑन ए पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज वेरी विद हाउ हाउसहोल्ड इनकम। भूल जाओ, ये किताब की भाषा है, मेरी भी समझ नहीं आती, इसको पढ़ो, कौन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन कर रहा है, क्या कर रहा है, कौन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन कर रहा है, ये याद रखो, इस डेफिनेशन को मैं भी नहीं याद करता, तुम भी मत याद करो, मेरी भी नहीं होती तुम्हारे भी नहीं होगी और कोई फायदा नहीं है, याद रखो कौन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन कर रहा है। अब देखिए आईजी का मतलब है इनकम ग्रुप, क्या है इनकम ग्रुप, आईजी का मतलब, तो ये देख लोगे एलआईजी, एलआईजी का मतलब है लो इनकम ग्रुप, एमआईजी का मतलब मिडिल इनकम ग्रुप, एचआईजी का मतलब हाई इनकम ग्रुप, क्या है, समझ रहे हैं, लो इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, हाई इनकम ग्रुप। भारत के अंदर बेचारे गरीब तबके, नीचे तबके के लोग भाग रहते हैं, फिर कुछ मिडिल क्लास रहते हैं, कुछ फिर हाई क्लास रहते हैं, जैसे हाई क्लास में कौन है, आपके मुकेश अंबानी, मिडिल क्लास में जैसे आप आईएएस ऑफिसर बनेंगे, लोअर क्लास में जैसे मैं, है ना, मैं लो इसमें आता हूँ, लोअर इनकम ग्रुप में आता हूँ, ठीक है, सबसे वाले कम में मैं आता हूँ, फिर एमआईजी में आप आएंगे क्योंकि आप आईएएस बन जाएंगे मिडिल इनकम ग्रुप में, और हाई में आ जो मुकेश अंबानी है, ठीक। तो अब समझिएगा क्या बोला जाता है, ये कहा जाता है कि जितना लो इनकम वाले ग्रुप, जो लो इनकम ग्रुप वाले लोग होते हैं, उनकी जितनी कमाई होती है वो सारा का सारा एक्सपेंडिचर पे खर्च कर देते हैं, यानी गुड्स और सर्विसेज पे खर्च कर देते हैं। समझिए, मान लीजिए एक रिक्शा चलाने वाला आदमी है, क्या रिक्शा चलाने वाला है, किसान ही है यार, किसान की हालत दयनीय है भारत में, ठीक है, रिक्शा चलाने वाला है, तो रिक्शा चलाने वाले ने पूरे दिन में 300 रुपए कमाए, क्या करे, पूरे दिन में 300 रुपए कमाए, 300 रुपए में रोटी लाएगा अपनी खाने के लिए या बैंक में जमा करेगा जाके, बताइए। मान लीजिए एक रिक्शा वाला पूरे दिन में 300 रुपए कमा के लाया, 4-5 बच्चे हैं, पूरी फैमिली में 4-5 लोग हैं, ठीक है, माँ बाप भी है बूढ़े, तो वो 300 रुपए में खाना खाएगा कि बैंक में जमा करेगा, बताइए, बताइए, बिल्कुल नहीं करेगा ना, बेचारे पे है ही नहीं यार, कैसे जमा करेगा, तो सारा का सारा गुड्स और सर्विस पे खर्च कर देगा, यानी सामान लाने में, रोटी दाल लाने में। उसके बाद मिडिल क्लास, मिडिल क्लास में जब आप आईएएस बन जाएंगे ना, आपकी सैलरी 1 लाख रुपए होगी, मान लीजिए
एक लाख में क्या होगा, आपका जो घर का एक्सपेंडिचर होगा, दाल चावल रोटी, जो आपके हेड ऑफिस हैं, जो हेड ऑफिस हो जाएंगी, ठीक है, वो आपसे फोन भी मांगेंगी, या फिर आपके बच्चे हो जाएंगे उनके खर्चे, साइकिल मांगेगा कोई, कोई कहेगा मुझे इलेक्ट्रिक बाइक चाहिए या कोई मुझे कुछ चाहिए, ठीक है, तो आपके खर्चे हो जाएंगे। मान लीजिए आपकी एक लाख सैलरी है, एक लाख में 50-60 हजार रुपए महीने का खर्चा होगा, बाकी आप बैंक में जाके इन्वेस्ट करेंगे या सेव करेंगे, ठीक है। तीसरे नंबर पर कौन आता है, मुकेश अंबानी, हाई इनकम गुरु, ठीक है। मुकेश अंबानी कितनी दाल रोटी खाता है, कितना चावल खाता है, जितना हम खाते हैं हमसे भी कम खाते हैं वो तो, ठीक है। हम तो क्या है, खाने के लिए जीते हैं, ठीक है, हम खाने के लिए जीते हैं, वो जीने के लिए खाते हैं, ठीक है, थोड़ा खाते हैं यार, सुबह को कॉफी पी ली, दो चार वो खा लिए, क्या नाम, काजू खा लिए, हम जब तक रोटियां यहां तक ठूस ठूस के ना खा लें, क्योंकि यार कुछ मिटा नहीं ना, यही खाएंगे, यहां तक ठूस लेंगे, एक दबा दबा के डंडे से यहां तक भर लेंगे, और अगर शादी में परी मिल जाए, दिख जाए, तो पेल के पेलेंगे, अत्यव्यस्त खाएंगे, क्योंकि भाई मिला महीनों में ना, रोज तो बस नहीं खाना, ठीक है, शादी मिल जाए यहां तक खाएंगे और फिर खुश होकर आएंगे। वो लोग बेचारे उनको रोज अवेलेबल है वो खाते नहीं है, वो काजू खा लेंगे थोड़ा सा, तो कम खाते हैं, बाकी जो उनकी इनकम वो सारी की सारी इन्वेस्ट करते हैं, सेव करते हैं, सेव करेंगे वो कहीं इन्वेस्ट होगा, राइट। तो देखो इस ग्राफ ने क्या बताया, जी ग्राफ इसने बताया, इसने कहा जो ये कंजप्शन वाला पार्ट दिया और इनकम वाला पार्ट दिया, कंजप्शन मतलब कहां पे ये यूज कर रहे हैं, ठीक, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने में। तो जो लो इनकम ग्रुप है, देखो लो इनकम ग्रुप लगभग लगभग इतना पार्ट, आप देख रहे हैं कितना सारा पार्ट, इतना हिस्सा आपका कंजप्शन पे खर्च करता है, जो उसकी कमाई है उसका काफी सारा हिस्सा, ठीक है, कंजप्शन का काफी सारा हिस्सा किस पे खर्च करता है, आपका आपका जो इनकम है उसका काफी सारा हिस्सा कंजप्शन पे चीजों को खरीदने खर्च कर देता है। वही जो मिडिल जो इनकम ग्रुप है, मिडिल क्लास लोग हैं, वो इतना पार्ट करते हैं, और जो हायर क्लास है वो बहुत ही कम करता है, क्या करता है ये इसने बताया। तो इसने ये बता रहा है, ये क्या बता रहा है, कह रहा है कि सेविंग जो है ना, सेविंग जो लोग तबके का लोग सेविंग सबसे कम करते हैं, सेविंग सबसे ज्यादा जो करते हैं वो हायर क्लास करते हैं, फिर उसके बाद मिडिल क्लास करते हैं, और सबसे कम लोअर क्लास करते हैं। तो बाय बाय सेविंग इसीलिए लिखा गया है कि जो लोअर क्लास है ना, वो कहता मैं नहीं जानता सेविंग वेविंग क्या होती है, अरे पेट ही भर लो यार, जैसे जनधन खाते खुले हैं, मैं कहता हूँ गवर्नमेंट्स का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि गवर्नमेंट ने सोचा कि डायरेक्ट मनी ट्रांसफर हो जाएंगे अकाउंट में। लेकिन अगर सरकार ने ये सोच के खाते खुलवाए हैं क्या, कि गरीब आदमी उनमें पैसा जमा करेगा, तो ये सरकार की सबसे बड़ी भूल होगी, ये केस स्टडी है कि जनधन खाते सरकार ने किस लिए खुलवाए। तो कुछ लोग मैंने देखा है, मैंने दो कॉपी चेक देखी है मेंस की, तो उसमें लिख देते हैं कि उसमें लोग बाग पैसा जमा करेंगे, यार जनधन खाता किसका खुल रहा है, जो खाता खुलवा नहीं पा रहा था, इस पे इतना पैसा ही नहीं था, तुमको लगता है कि वो खाते में जाके पैसा जमा करेगा, वो पहले पेट को इजेक्ट करवे ना, इंजल कर, इसने उसकी वाट लगा दी जनधन की। हाँ कैसे, ये देखो ये सारा का सारा जो पैसा कंजप्शन पे खर्च कर देता है, अपनी डेली मर्जा की जो जरूरत है उनको पूरी करने में खर्च कर देता है, सेविंग क्या खाक करेगा, ठीक है। तो जनधन खाते का मेन पर्पस जो है वह डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, सरकार डायरेक्ट ट्रांसफर करती है, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ मनी, जो पहले कहते थे ना एक रुपए केवल 5 पैसे आते हैं 25 पैसे पहुंचते हैं, उसकी वजह से किया है, उसकी वजह से कि लोग बाग अपना पैसा उसमें जाके जमा करेंगे, नहीं, क्लियर आपको, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं नेक्स्ट सीरीज है एनवायरमेंटल कुर्नेट्स कर, क्या कहा है इसने, यह कहा गया है, इसको भी ऐसे ही याद कर लो, मैं साइड में लिख देता हूं, प्राइमरी सेक्टर टू इंडस्ट्री सेक्टर याद रखना है, क्या, प्राइमरी सेक्टर टू इंडस्ट्री सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर आपका सेकेंडरी सेक्टर, यानी आपका पहला प्राइमरी क्या होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर, और इंडस्ट्री होता है सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। इंडस्ट्री के मैंने इसके इकोनॉमी के 3 सेक्टर बताए थे आपको, आप समझिए, कोई भी जब भी कोई डेवलपिंग नेशन होगा, याद रखिए कोई भी डेवलपिंग नेशन सबसे ज्यादा खतरनाक तरीके से काम करेगा किसके ऊपर, फॉरेस्ट के ऊपर, ठीक, इसके पास एनवायरमेंट के लिए सबसे खतरनाक तरीके से काम करेगा, एनवायरमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर चला जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट करता चलाएगा अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, ठीक है, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए क्या करेगा, डिग्रेडेशन कर देगा, खत्म कर देगा एनवायरमेंट को, कौन करता है, डेवलपिंग नेशन। फिर अगर मैं बात करूं पेड़ पौधों के हिसाब से एनवायरमेंट के बेस पे आपके किस टाइप के नेशंस होते हैं, तो याद रखिएगा डेवलपिंग नेशन ऐसे नेशंस होते हैं जो क्या करते हैं, एनवायरमेंट को खत्म कर देते हैं,
बिल्कुल खत्म कर देते हैं अपनी, क्यों? क्योंकि उनको अपनी इनकम बढ़ानी है। अब मान लीजिए, सपोज कीजिए हमें क्या करना है, सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल इंडिया को अपनी इनकम बढ़ानी है, और इंडिया को अपनी इनकम दिखाई दे रही है कि पेपर बना के अगर हम पेपर दूसरे देश में एक्सपोर्ट करें तो हमें अच्छा कमाई होगी, तो हम पेड़ काटना शुरू करेंगे, पेड़ काटेंगे, पेड़ काट के क्या करेंगे उससे पेपर बनाएंगे और पेपर को दूसरे देश में सेल करेंगे, उससे हमारी इनकम होगी, ठीक है। और हमें अपनी इनकम पे काम करना तेजी से, क्योंकि हमें जीडीपी बढ़ानी है तो हम तेजी से पेड़ काट रहे हैं। लेकिन जब हम डेवलप्ड हो जाएंगे, हमारे पास बहुत पैसा हो जाएगा, हमें पैसे की जरूरत नहीं है, तो हम पेड़ काटेंगे? नहीं काटेंगे, एनवायरमेंट को नुकसान नहीं करेंगे। तो एनवायरमेंटल कुजनेट करने वही जैसे पहले वाला कुजनेट करता है, इसमें एनवायरमेंट बेस पे देता कि डेवलपिंग नेशंस हार्मफुल होती हैं एनवायरमेंट के लिए, लेकिन जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वो हार्मफुल नहीं होती, वो इंप्रूव करती है एनवायरमेंट को। लेकिन मैं इनसे सहमत नहीं, मैं इनसे इस कर्व से सहमत नहीं। पर्सनली मेरा व्यू क्या है, अमेरिका देखिए, अमेरिका सबसे ज्यादा हार्मफुल चीजें क्रिएट करता है, किसके लिए? एनवायरमेंट के लिए, ठीक है। लेकिन वो बात अलग है, वो बात अलग है कि वो देख रहे हो जितने डिफरेंट डिफरेंट अपने पेरिस एग्रीमेंट है और डिफरेंट एग्रीमेंट है एनवायरमेंट में, आप पढ़ेंगे, उसने उसी हिसाब से पैसा भी खर्च किया है, यानी कि उसने डेवलपमेंट पे भी काम किया। अगर उसने पेड़ों की कटाई भी की है तो पेड़ों को बढ़ावा देने के लिए भी उसने काम किया है, ठीक। तो याद रखेंगे डेवलपिंग नेशंस वो नेशंस होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, जो हार्मफुल कंडीशन क्रिएट करते हैं, किसके लिए? एनवायरमेंट के लिए। और जो डेवलप्ड नेशंस होते हैं वो क्या करते हैं? एनवायरमेंट को इंप्रूव करते हैं। क्लियर है आपको यहां तक? इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आया कि नहीं आया? चलिए फिर आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और यू कैन यूज माय रेफरल कोड दैट इज RSB1 इफ यू आर गोइंग एन एडमिशन सब्सक्रिप्शन। और जो लोग नए हैं वो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, Rahul_economics। चल जा यार इकोनॉमिक्स, ये पैर में उल्टा करता हूँ चल जाता, सही सीधे भी नहीं चलता है, ठीक। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, 3 बजे फिर मिलते हैं, जो क्विज की क्लास होगी आज ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय बाय।